ये हम लोग का चतुर्थांश 18 का वो है स्पोर्ट कोटा का जो मुद्दा है, क्योंकि हम लोग जो जितना यहाँ पे करा किए हैं डिप्राइव कैंडिडेट है, तो इसमें ऐसे है हम लोग का ऑलरेडी हम लोग केस भी दे के रखा हुआ है 2023 को, जब हम लोग का फिजिकल देने के लिए हम लोग गया था उस समय में, हम लोग को फिजिकल का समय में वो लोग सब कुछ आपका एडमिट कार्ड ये सब आने के बाद में लास्ट में हम लोग को जब फिजिकल देने के लिए गया था, तब उन्होंने हम लोग को ऐसे किया कि जब फिजिकल का जगह पे पहुंचने के बाद ही हम लोग को रिजेक्ट किया गया था। तो पहले आपका जब 2000 जितना 18 से आगे और 2000 तक 18 तक आपका जो स्पोर्ट्स में हम लोग का जो कराते में आपका स्टाइल ओपन ये सब पूरा चल रहा था, तो बीच में अभी ये लोग 22 पे ऐसे रूल लाया है, बोला है कि आपका जितना स्टाइल गेम ओपन गेम ये सब जो है अभी नहीं होना है बोल के। तो अभी तक तो ऐसे वो लोग का पास में जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि वो लोग 2018 में ऐसे हम लोग को बना के दिया है बोल के, तो ऐसे तो हम लोग का पास वो लोग का पास भी प्रूफ नहीं है जो हम लोग को ऐसे गवर्नमेंट जो बना के दिया है जो डायरेक्टर आपका स्पोर्ट्स से है और आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट से है। तो हम लोग का वही है मुद्दा जो है, जैसे भी करके हम लोग का इसको क्लियरेंस कर देना है। तो आपका चार्टर ऑफ डिमांड को नहीं, चार्टर ऑफ डिमांड जो वही है हम लोग को जितना जो डिप्राइव कैंडिडेट है, हम लोग का वैकेंसी इतना पड़ा हुआ है कि आपका 53 है वैकेंसी जो, तो हम लोग का आदमी भी इतना नहीं है जो कैंडिडेट है जो फिजिकल देने नहीं मिला है, तो उसमें हम लोग का 30 से प्लस ही है, 34-33 जैसे ही होगा आदमी जो, तो उन आदमी लोग को वही हम लोग का मांग है कि जैसे भी हो फिजिकल देने हैं बोल के। तो जैसे कि आप बोले कि 2023 में आप लोगों ने FIR भी लॉन्च किए, तो तभी तक कुछ भी नहीं हुआ, लाइक 2018 का है आप लोग डिप्राइव कैंडिडेट, तो अभी कुछ होगा क्या? इसमें ऐसे है वो लोग को RTI मारता है तो बाकी डिपार्टमेंट तो दे देता है, लेकिन आपका RTI जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो हम लोग को 3 महीना लगा दिया, तो इसका कारण से बहुत समय लग गया। नहीं तो आपका सोच के देखिए 2018 से लेके आपका सोच के देखिए 2024 अभी चल रहा है, 7 ईयर्स तो ऑलमोस्ट हो ही गया। तो हम लोग 2023 को केस दिया था जो आपका कोर्ट केस जो, तो 23 को देने के बाद बीच में हम लोग 6-7 महीना के बाद में आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी RTI लगाया था, RTI देके रखा था, तो उसमें इतना समय लगा दिया कि वो एक RTI में भी 3 महीना लगा देता है, और 3 महीना लगाने के बाद हम लोग जब फिजिकली वहाँ जाने के बाद ही हम लोग को RTI का कागज़ मिला है, जिसमें वो लोग लिखा हुआ है कि 2022 में आपका जब SI का फिजिकल हो रहा था उस समय में वो लोग अपना एक रूल बनाया है कि जो बोर्ड मेंबर जो बैठा हुआ है उन्होंने लिखा है कि उसमें आपका स्टाइल और ओपन को नहीं होना है बोल के। तो हम लोग का मांग है कि आपका पहले चल ही रहा था, तो आप 22 का जो मुद्दा है उसको आप कैसे आप जो बनाया हुआ है उसको आप कैसे 18 में लागू कर सकेगा, जो 18 का सिस्टम है आप 18 का हिसाब से चलाइए ना, वही डायरेक्टर से बोलेंगे। तो आप लोगों का इतना सारा ग्रेविंग्स है, क्या इसको आप लोग स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बात करने के लिए ट्राई किए क्या? नहीं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को तो पहले जब ये आपका पेंडिंग होके बैठा था उस समय में हम लोग उसको बात किया था, जो अभी का नया वाला स्पोर्ट्स को तो बात नहीं किया जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो पुराना वाला स्पोर्ट्स मिनिस्टर को तो हम लोग आपका जब 2018 का समय में तो हम लोग बात किया था, तब आपका जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था मामानतुंग था उस समय में, तो हम लोग ऐसे करने का बात ही हम लोग का भी हुआ था, नहीं तो ऐसे पेंडिंग ही पड़ा हुआ था। नया वाला को अभी तक बात नहीं किया? नहीं, नया वाला को अभी तक हम लोग बात नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी केस चल रहा है, तो इसका कारण से हम लोग RTI के लिए रुक रहा था, तो RTI में इतना समय लगा है, रिसेंटली अभी कल परसों ही RTI को हम लोग को मिला है। तो अब बोले कि केस चल रहा है, तो केस का अपडेट क्या है? केस का अपडेट वही है, हम लोग को जितना RTI मारा है उसमें आपका ओपन और स्टाइल गेम में सब में हर एक डिपार्टमेंट में है, जो आपका इन्विटेशन जितना गेम है ना, तो हर एक डिपार्टमेंट में है 2018 से जो पहले है। हम लोग का वही है कि आपका जो हम लोग का जो सबूत है RTI का हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो उसका हिसाब से हम लोग का सब कुछ वो है आपका राइट है, तो वही है कि डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं कि आप जैसे भी जैसे जल्द से जल्द इसको देख के आप जल्दी से जल्दी कराना है, नहीं तो इसमें देखे जाए इनसे तो नहीं तो आपका वो है करप्शन जैसे तो चल रहा है, क्योंकि 2018 में आपका स्टाइल ओपन चल रहा था, तो कैसे आप बीच में आप 22 पे ऐसे लागू कर सकते हैं, और लागू करता भी है तो आप बैक देख के तो लागू नहीं कर सकता ना। अभी जैसे मेरा कलीग बोला है ना ये कोर्ट केस के बारे में, उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा। कोर्ट केस जो ऐसा है कि हम लोग जो मेन जो RTI नहीं मिलने का वजह से हम लोग का केस जो आगे नहीं बढ़ रहा था, उसका वजह से हम लोग RTI को ही रुक रहा था, तो अभी हम लोग को RTI मिल गया है, तो एडवोकेट को हम लोग सबमिट कर दिया, तो एडवोकेट ने बोला है कि ये सबूत काफ़ी है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट हियरिंग ये 2 हफ्ता मांगा है गवर्नमेंट हम लोग को हियरिंग के लिए, तो ये 2 हफ्ता में हार जीत तो उधर ही होगा, लेकिन एडवोकेट का हिसाब से तो हम लोग का जो बहुत जेन्यून है ये केस जो ना जो अभी हम लोग लड़ रहा है
बहुत जेन्यून है, इसलिए एडवोकेट बोला है चोरना नहीं है, आप लोग लगते रहो, आप लोग जो साइड से कर सकते करो, हम लोग जो ये कोर्ट का केस को हम लोग करेगा, ऐसे टाइप का बोला। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं आप लोग को 7 साल लग गया है, अभी तक कुछ आउटकम नहीं मिला है, तो अभी तक फिर कुछ भी और नहीं हुआ है बोलने से? लाइक अरुणाचल में तो ऐसे होते ही रहते हैं, होता ही नहीं, आप लोग डरना करो, जो भी करो कुछ आउटकम निकलता नहीं, तो आप लोग का फर्दर स्टेप्स क्या रहेगा? फर्दर स्टेप क्या रहेगा, हम लोग तो बस वही बोलेगा कि तो अगर आप हम लोग को जेन्युइन वाला को नहीं देगा सोचता है, तो जितना भी जो स्टाइल गेम से जो सर्टिफिकेट लेके जो जॉब लेके बैठा हुआ है उसको भी आप हटाओ ना, क्योंकि हम लोग का भी तो जेन्युइन है, हम लोग भी स्टाइल गेम का है और नोटिस का है, नोटिस तो कितना इंपॉर्टेंट गेम था पहले में, तो अभी आप हम लोग को 22 का वाला को अभी बोलने से तो नहीं होगा ना, 18 में 18 का केस को लेके, तो ऐसे होने से हम लोग का तो डिमांड वही है कि जितना भी स्टाइल गेम से जो जॉब लेके रखा है, जो इंसेंटिव लेके रखा है, वो लोग को वापस मांगो, क्योंकि वो लोग को देता है तो हम लोग को क्यों नहीं देता है, हम लोग का तो जेन्युइन है ये चीज़, जो वो लोग को देता है तो हम लोग को जॉब देना ही पड़ेगा, वही है। तो आपका तरफ से अभी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है या फिर गवर्नमेंट ऑफ सीएम पेमा खांडू को क्या मैसेज रहेगा या फिर अपील? नहीं, मैसेज मीन्स कि अपील ही रहेगा कि सीएम सर को भी वही रहेगा कि हम लोग को थोड़ा देख दीजिए ना, क्योंकि 7 साल रुकना मामूली बात नहीं है, हम लोग का भी फैमिली है, हम लोग भी घर कैसे चलाएगा वही सोचता है, इतना साल से देखो गवर्नमेंट हम लोग अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, अपना से फाइनेंस करके करता है, पूरा सब कुछ अपना करता है, फिर जाके जॉब के लिए भी हम लोग लड़ना पड़ता है, तो ये तो ना इंसाफी हो गया, तो उसको मेरा हिसाब से पेमा खांडू सर जो देख देगा होगा, क्योंकि वो लास्ट इंटरव्यू में भी हम सुना था, कोई मीडिया ने क्वेश्चन किया था कि ये जो स्पोर्ट्स कोटा का जो डिले होने वाला क्या चीज़ है, वो खुद से बोला है कि वो देख देगा ना वो चीज़ को लेके, तो उसको देख देने से ठीक है। तो ये सब चीज़ को लेके आप स्पोर्ट्स डायरेक्टर का पास नहीं किया ग्रेविंग्स को लेके? उस दिन रिसेंटली की बात है, हम लोग स्पोर्ट डायरेक्टर ऑफिस किया हुआ था, तो हम लोग सर से भी मिले हैं, तो सर से मिलने के बाद हम लोग बात हुआ है कि सर को हम लोग तो पूछे सर ऐसा ऐसा हो गया ये मैटर जो कैसे है सर, आप कुछ सॉर्ट आउट कर दीजिए, सॉल्व आप सॉल्यूशन दीजिए बोले, तो सर जो हम लोग के बोले कि आप लोग का ये वाला सर्टिफिकेट जो वो लोग गवर्नमेंट जो इंसेंटिव नहीं देते इसको, ये वाला जो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे बोला हम लोग को, तो हम जो हमें सर को हम डायरेक्ट बोले सर को हम रिप्लाई किए, सर को हम बोले कि सर आप जो ये बोल रहे हैं आप ये गलत बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपका गवर्नमेंट जो ये वाला सर्टिफिकेट को बहुत से टूर्नामेंट सर्टिफिकेट जो मिले इंसेंटिव मिलने वाला, इवन हम RTM मार के हम लोग पास लिस्ट भी बहुत सारा है अभी तक, और आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है बोलते सर, ऐसे भी नहीं है जॉब के लिए भी, आप जॉब के लिए भी एलिजिबल है और आप जॉब को भी बहुत जॉब भी बहुत सारा को देख ही रखा है अभी तक ना, और इवन ये टूर्नामेंट को आपका हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट जो ही मतलब पाउंडिंग करके टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो लोग मतलब उल्टा वो देते हैं पाउंड देते हैं, मतलब पैसा ना देके ऑर्गेनाइज करा देते हैं टूर्नामेंट को भी, तो हम सर से उस दिन बात करते हम वही बोले सर को भी सर आप तो गलत कर रहे हैं ना, हम लोग के साथ गलत हो रहा है सर, आप देखिए आप इतना सारा को दिया ना, तो हम लोग को अभी क्यों नहीं देगा, क्या हम स्पोर्ट्स पर्सन हो के मतलब क्या हम अलग है क्या, तो क्या हम लोग मतलब क्या बोलेगा, मतलब आप अलग को स्पोर्ट पर्सन अलग को आप अलग ट्रीट करेगा, हम लोग को अलग ट्रीट करेगा, हमको मतलब हम सदस्य ना इन सब पे क्यों कर रहा है अब सर, मतलब हम तो हम लोग गवर्नमेंट लोग से भी हम वही बोलेंगे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट और हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट से भी वही बोलेगा, और हम लोग का रेस्पेक्टेड सीएम सर पेमा खांडू सर जी से भी हम लोग बोलेगा हम लोग को जस्टिस दीजिए ना, हम लोग जूनियन है इसलिए हम अभी तक लड़के आ रहे हैं, हम ये चीज़ जो सही नहीं होने से हम लोग शायद पहले हम लोग कब का हम लोग छोड़ भी देना था होगा, लेकिन हम लोग को पता है हम लोग राइट है, इसलिए हम लोग आज तक हम लोग अपना राइट को हम लोग फाइट करके आ रहे हैं, तो हम लोग वही चाहते हैं कि सर आप लोग देखिए हम लोग को जस्टिस दीजिए ना। और एक चीज़ था कि मतलब हम लोग को डाउट चीज़ क्या लगा बोलने से सर जो मतलब ऐसा बोला कि नो लोग भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में चलिए ये ऐसा हो गया तो होने दीजिए, हम लोग ऐसे टाइप का बोले, लेकिन देखो अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अरे आप लोग हम लोग को 7 साल रुकने देने के बाद में अभी आप लोग अंडरस्टैंडिंग कीजिए रफा दफा कीजिए, ये तो ऐसे बात नहीं होता है, हम लोग तो नहीं मानेंगे, हम लोग को जस्टिस चाहिए चाहिए, जैसे भी गलत हुआ है आप लोग जस्टिस देना पड़ेगा, जो गलत कहा हुआ है कैसे हुआ हम लोग को पता नहीं है, लेकिन वो आप लोग जानते हैं उसको आप लोग सॉल्यूशन हम लोग को ला देना पड़ेगा और हम लोग को जस्टिस देना पड़ेगा। थैंक यू।